हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री का चैप्टर टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा होगा चैप्टर वन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके चैप्टर वन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। बिल्कुल यही क्वेश्चन रहेगा आपका एग्जाम में, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो चलिए इसका क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और साथ ही इसके आंसर को भी देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, हाउ वाज द मैरीटाइम सिल्क रूट यूजफुल फॉर वियतनाम। तो इसका आंसर हो जाएगा, वियतनाम ब्रॉट इन गुड्स, पीपल एंड आइडियाज फ्रॉम चाइना फ्रॉम मैरीटाइम सिल्क रूट। तो सेकंड क्वेश्चन इसका देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई वाज टोंकिन फ्री स्कूल एस्टेब्लिश्ड। इसको इस टाइप में भी पूछा जा सकता है, व्हाट वाज द मेन एम टू एस्टेब्लिश टोंकिन फ्री स्कूल इन वियतनाम बाय फ्रेंच। तो इसका आंसर है, द टोंकिन फ्री स्कूल वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1907 टू प्रोवाइड ए वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन। इसका थर्ड क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ द स्कॉलर रिवॉल्ट ऑफ 1868। इसका आंसर हो जाएगा, द मेन एम ऑफ स्कॉलर रिवॉल्ट ऑफ 1868 वाज द अपोज फ्रेंच कंट्रोल एंड एक्सपेंशन ऑफ क्रिश्चियनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वेयर द टू बेसिस ऑफ कॉलोनियल इकोनॉमी इन वियतनाम। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 90% इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रह सकता है। तो इसका आंसर है, बेसिस ऑफ कॉलोनियल इकोनॉमी इन वियतनाम, पहला राइस कल्टीवेशन और दूसरा रबर प्लांटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी थ्री एफर्ट्स मेड बाय द फ्रेंच टू सप्रेस द मूवमेंट इंस्पायर्ड बाय यूना फूसो। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफी लंबा है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट करके रख ले और बाद में पढ़ ले, वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ रहा हूँ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, व्हाई वाज द बाउंटी प्रोग्राम ऑफ रैट हंट स्क्रैप्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा, वियतनामीज हु डिड दिस डर्टी वर्क ऑफ इंटरिंग स्वेयर्स फाउंड दैट इफ दे कम टूगेदर दे कुड निगोटिएट ए हायर कॉम्पेंसेशन। दे ऑल्सो डिस्कवर्ड इनोवेटिव वेज टू प्रॉफिट फ्रॉम दिस सिचुएशन। द बाउंटी वॉज पेड वेन ए टेल वॉज गिवेन एज ए प्रूफ दैट ए रैट हैड बीन किल्ड। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट वॉज द कंडीशन ऑफ कॉलोनियल इकोनॉमी इन वियतनाम एक्सप्लेन। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो मैं 95% का गारंटी लेता हूँ कि इस क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो इसका आंसर है, यहाँ से आप देख सकते हैं काफी लंबा आंसर है, इस वजह से मैं इसको नहीं पढ़ रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट कर ले और इसको रख ले। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड नेशनलिज्म इमर्ज इन वियतनाम थ्रू द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी टू फाइट अगेंस्ट द फ्रेंच एनालाइज। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं कि काफी लंबा है, स्क्रीनशॉट करके रख ले, बाद में आप इसको याद कर ले। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द हो ची मिना ट्रेल बिकेम एडवांटेजियस टू वियतनामीज इन द वॉर अगेंस्ट यूएस, सपोर्ट द स्टेटमेंट विथ आर्ग्यूमेंट्स। इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं, इसका आंसर भी चार पॉइंट में है, काफी लंबा है, इसका स्क्रीनशॉट करके बाद में आप याद कर लें। व्हाई डिड फ्रेंच वांट टू एक्सटेंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन इंडो चाइना। तो इसका आंसर यहाँ से पूरा आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, इसका भी आंसर काफी लंबा है, इसका भी स्क्रीनशॉट करके आप याद कर लें। ये सब सारे लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है, रैट्स वेयर मोस्ट कॉमन इन द मॉडर्न न्यूली बिल्ट एरियाज ऑफ हनोई, हाउ वाज द रैट हंट स्टार्टेड इन हनोई। इसका क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन जो है वो 80% चांसेस है कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से आप तैयारी कर ले और इसका आंसर देख ले, काफी लंबा है, इसका आंसर करीब 7 पॉइंट में है, तो इसका आंसर आप स्क्रीनशॉट करके बाद में याद कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज द रोल ऑफ होवा हाउ मूवमेंट टू अराउज एंटी इंपीरियलिस्ट सेंटीमेंट्स इन वियतनाम। तो इसका आंसर यहां से आप देख ले, पूरा यहां से यहां तक करीब 6 पॉइंट में आंसर है, इसका भी आंसर आप पूरा याद कर ले और ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एग्जामाइन द इंपैक्ट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s ऑन वियतनाम। तो इसका आंसर है, यहां से पूरा आप देख ले, इसका भी आंसर काफी लंबा है, 7 पॉइंट में इसका आंसर दिया हुआ है, इसको आप याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यूएस एंट्री इनटू द वॉर इन वियतनाम मार्क्ड ए न्यू फेज दैट प्रोवाइड कॉस्टली टू वियतनामीज एज वेल एज टू अमेरिकन, एनालाइज द स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन का जो चांसेस है वो 75% है कि पूछा जा सकता है, तो इस क्वेश्चन को भी आप याद कर लें, इसका आंसर देख ले, इसका आंसर पूरा यहाँ से यहाँ तक है, तो इसको आप याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन है, ओमेन वेयर रिप्रेजेंटेड एज वॉरियर्स एज वेल एज वर्कर्स इन वियतनाम इन द 1960, एनालाइज द स्टेटमेंट विथ एग्जाम्पल्स। या तो फिर इसको इस टाइप से भी पूछा जा सकता है, इलोबरेट अपॉन द रोल ऑफ ओमेन ड्यूरिंग वार एंड पीस इन वियतनाम। तो इसका जो चांसेस है मैं आप लोगों को बता दूं कि 98% चांस है कि इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा, मतलब बहुत ही ज्यादा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं, तो इसका आंसर पूरा यहाँ से यहाँ तक है,
पॉइंट में आंसर है, तो इसका आप आंसर स्क्रीनशॉट करके बाद में याद कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन है ड्यूरिंग फ्रेंच कॉलोनियल रूल स्कूल्स इन इंडो चाइना बिकम इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर पॉलिटिकल एंड कल्चरल बैटल, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। या तो इसको इस तरह से पूछा जा सकता है, व्हाई डिड वियतनाम रेज बैटल अगेंस्ट द फ्रेंच सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो इसका आंसर है, जो यहाँ से यहाँ तक आंसर आप देख सकते हैं, इसका भी आंसर 4 पॉइंट में है और काफी लंबा आंसर होगा क्योंकि सारे लॉन्ग टाइप में आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज फान चू ट्रिन्स ऑब्जेक्टिव फॉर वियतनाम, हाउ वेयर हिज आइडियाज डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ फान बोई चू। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक काफी लंबा आंसर है, इसका भी सारे लॉन्ग टाइप में आंसर है, तो इसको भी याद कर लें। अब एक आखिरी क्वेश्चन बच गया है, एक्सप्लेन द काउज ऑफ द यूएस इन्वॉल्वमेंट इन द वॉर इन वियतनाम, व्हाट अफेक्ट डिड दिस इन्वॉल्वमेंट हैव ऑन लाइफ विद इन द यूएस इटसेल्फ। तो इसका आंसर यहां से यहां तक पूरा हो गया, तो इसका भी आंसर काफी लंबा है, तो इसका आंसर को भी आप याद कर ले। तो इनमें से करीब मैंने फिर से आपको 20 क्वेश्चन के आसपास आपको मैंने क्वेश्चन दिए होंगे, इन सारे क्वेश्चन को कर ले, इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक आप हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।